और पूरे देश भर के डेलीगेट आए, उन्होंने अपनी बात कही, राजनीतिक आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों पर चर्चा हुई, पूरे देश को दुनिया को मैसेज गया कि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी देश की 34 साल के शानदार इसका है कुर्बानी का, त्याग का, बलिदान का। उस पार्टी या सत्ता में तो नहीं है, उसकी सोच क्या है, ये प्रस्ताव माध्यम से दुनिया तक पहुंचा है, जिसका अपना महत्व होता है। नंबर दो, कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी ने जो बात कही है युवाओं के लिए कही है, देश में जो घृणा की राजनीति हो रही है, भय की हो रही है, हिंसा की हो रही है, उसके खिलाफ आह्वान किया है कि सब लोग मिलकर प्यार मोहब्बत से रहें, सब एक दूसरे का सम्मान करें, अहिंसा हो, हिंसा नहीं हो, संवेदनशीलता हो, इस संदेश पूरे देश को दिया है। नौजवानों के लिए कहा है कि आपके द्वार आपके लिए द्वार खुले कांग्रेस के, कि कांग्रेस का जो त्याग बलिदान है देश के लिए, जो विरासत है वो बहुत शानदार है, आने वाले वक्त के अंदर इस मुल्क को एक अखंड रखने के लिए सब नौजवानों की जरूरत है। जैसा कि इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने जान दे दी अपनी, और देश को एक अखंड रखना है, वो विरासत लेकर एक समय आगे बढ़ रही है। तो कुशासन है राजस्थान के, और मोदी जी के जो झूठे वादे हैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के, किसानों को फसलों को पूरा मूल्य देने के, ब्लैक मनी लाने के, तमाम वादे उनके फ्लॉप साबित हो। सर किरोड़ी लाल जी ने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन किया, उसमें मैं समझता हूँ कि उन्होंने मैसेज दिया। महाधिवेशन से क्या जनता जो ये परिवर्तन चाहती है उससे कुछ फायदा मिलेगा इस महाधिवेशन जो है? देखिए, गुजरात चुनाव के बाद में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है बीजेपी। गुजरात चुनाव में भी 150 के टारगेट थे उनके, 99 टारगेट रह गए, जाते जाते बच गए। उसके बाद में चुनाव राजस्थान के भी 3 उपचुनाव शानदार विजय हुई, 17 सीटें थी लोकसभा विधानसभा इलाके में, 17 सेगमेंट में वो चुनाव हारे, 2 चुनाव हारे उसके बाद मध्य प्रदेश के, फिर चुनाव हारे यूपी के अंदर और बिहार के अंदर लोकसभा के। इसके मायने एक साल में 10 चुनाव हैं लोकसभा के उपचुनाव हैं, 10 के 10 बीजेपी हारी है। अब उनकी संख्या घट के 385 से 375 पर रह गई है। सब किरोड़ी की स्थिति बनी है, तो निश्चित तौर से 2019 का टारगेट जो है उस पर मोदी गवर्नमेंट जाएगी। तो मोदी जी जो झूठे वादे किए थे, इतना भयंकर आक्रोश है, आज कोई वर्ग खुश नहीं होते, किसान दुखी, युवा दुखी, छात्र दुखी, और चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, हर वर्ग वाले व्यापारी दुखी, जो उनका वोट बैंक था, सबके व्यापार ठंडे पड़ गए, ठप हो गए हैं, और लोग रोजगार नहीं मिल पा। ऐसी स्थिति में आज हाहाकार हो रहा देश का, ऊपर से भय ईडी का भी है, CBI का भी है, इनकम टैक्स का भी है, टारगेट बना के लोगों को तंग कर रहे हैं, पूरा देश सहमा हुआ है, घबराया हुआ है, डरा हुआ है, बोल नहीं रहा है। जब वक्त आएगा तो आप देखेंगे सबकी आवाज़ें बाहर आएगी, मोदी जी को सबक सिखाया जाएगा। सर एक मेरा सवाल है, सर एक सवाल है, किरोड़ी जी ने बीजेपी ज्वाइन की है सर, सर हाल ही में बीजेपी किरोड़ी लाल नहीं बोले।